हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हो गए। तो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यामा MT50 वर्जन 2 आपका कितना माइलेज देती है आफ्टर फर्स्ट सर्विस। तो गाइस, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और बनाया हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया है गाइस, जब आप ये नई नई बाइक लेते हैं तो ये कितना एवरेज देती है, और सिंगल लोड पर कितना एवरेज देती है, और गाइस जब आप मल्टीपल लोग बैठते हैं, मतलब दो लोग एक साथ बैठते हैं, तो कितना माइलेज देती है। तो गाइस, कंप्लीट जानकारी मैंने उस वीडियो में दी हुई है, तो गाइस आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हो। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट गाइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, यामा MT50 काफ़ी पॉपुलर बाइक है अपने सेगमेंट के अंदर, और गाइस जिस हिसाब से इस बाइक का लुक और इस बाइक की जो प्राइसिंग रखी गई है, तो प्राइसिंग तो काफ़ी ज़्यादा है गाइस, बट इसके अंदर जो इतने फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी गाइस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका माइलेज क्या रहता है। तो गाइस, आफ्टर फर्स्ट सर्विस इसका माइलेज देखने वाले हैं। गाइस, हम सिंपल तरीके से, अगर आपने बाइक परचेज की है, अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं, तो इसकी जो फर्स्ट सर्विस है गाइस, वो आपका 5500 किलोमीटर के आसपास इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी। तो गाइस, 500 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद इसकी आप सर्विस करा सकते हो। गाइस, जब तक आप इसको 500 चलाएंगे, तब तक इस बाइक का जो एवरेज रहने वाला है गाइस, वो आपका, अगर आप सिंगल बंदा चलाएगा तो गाइस 55 प्लस आएगा, और वहीं गाइस अगर आप दो लोग साथ में बैठ के चलाते हैं तो इस बाइक का एवरेज आपका 45 प्लस आने वाला है। तो गाइस, अब हम बात कर लें आफ्टर फर्स्ट सर्विस इस बाइक का कितना एवरेज आएगा। तो फर्स्ट सर्विस करने के बाद गाइस इसमें काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं, जैसे कि गाइस इसका जो ऑयलिंग वगैरह चेंज की जाती है, तो इसकी वजह से गाइस इसका थोड़ा एवरेज इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस, फर्स्ट सर्विस के बाद अगर आप सिंगल बंदा इस बाइक को राइड करता है, तो इस बाइक का जो एवरेज है वो 58 प्लस रहने वाला है। और वहीं अगर गाइस आप इस बाइक के फर्स्ट सर्विस के बाद अगर आप इस बाइक पर राइड करते हैं, दो लोग एक साथ राइड करते हैं, तो इस बाइक का जो एवरेज है गाइस वो 49 प्लस रहने वाला है। तो गाइस, ये कुछ इसकी अपडेट जो रहती थी माइलेज की गाइस, वो मैंने दे दी। अगर गाइस आप इस बाइक को माइलेज के लिए खरीदने वाले थे, तो गाइस अब आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपडेट इसका डाल के रखा है, इसका टेस्ट करके रखा है, तो वो भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको केवल नॉलेज से मतलब है, तो इस वीडियो में मैंने गाइस आपको एक्चुअली जो एक्यूरेट जो नॉलेज थी वो दे दी काफ़ी शॉर्ट टर्म में। तो गाइस, आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो से पसंद आई। तो गाइस, इस वीडियो की साथ ही साथ गाइस मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि इस बाइक के जो फीचर्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, इस बाइक के अंदर आपको ना तो डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। तो ये बात गाइस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गाइस आप इतने सारे रुपये डालेंगे तो आपको सारी इसकी अपडेट होनी चाहिए, और इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि गाइस इसके अंदर हमारा एक चीज़ और गाइस, USB चार्जर आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि USB चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए, काफ़ी सारी बाइकों में होता है इस प्राइस रेंज में, बट इस बाइक के अंदर आपको USB का जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी देखने को नहीं मिलता। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर USD फोक्स तो आपको देखने को मिलते हैं। तो बात कर लें इसकी हम प्राइसिंग की, तो गाइस 1.9 लाख का आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि आप समझ सकते हो गाइस कितना महंगा रहने वाला है। तो आई होप सो कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं गाइस आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।